तो गाइस हम चैप्टर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 5 में है टॉपिक है इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन मॉडल। ये भी हम मॉडलिंग का ही पढ़ रहे हैं और इसमें जो है ना हमारा सबसे पहला मॉडल आता है एपिडेमिक मॉडल। ठीक है, एपिडेमिक मॉडल को हम SIR मॉडल भी कहते हैं। एस का मतलब होता है ससेप्टेबल्स, आई का मतलब होता है इन्फेक्शन एंड आर का मतलब होता है रिकवरी। ठीक है, इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है। सबसे पहले हमें इसका कंपार्टमेंटल डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो कंपार्टमेंटल डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे ससेप्टिबल्स होते हैं। ठीक है, वो उसके बाद जो होते हैं ना वो गेटिंग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, गेटिंग इन्फेक्टेड। ठीक है, उसके बाद वो इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, देन उसके बाद वो रिकवर हो जाते हैं। अब ये होते क्या क्या है उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको लिखवा रही तो दिखा रही हूँ, आपके पास बुक होगी ना तो उसमें भी लिखा हुआ है। आपको ना अजम्पशन से थोड़ी सी लिखनी जरूरी होती है अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए एपिडेमिक मॉडल के बारे में। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तब तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैं बनाना सिखाऊंगी उससे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, जरा देखिए, ये मैंने कंपार्टमेंटल डायग्राम भी बनाया था। यहाँ पर है ना ये जो तीन है ससेप्टेबल्स होते कौन है, ससेप्टेबल्स इंडिविजुअल्स हु आर लेबल टू कैच डिजीज। मतलब क्या, जिनको है ना कैच डिजीज होने वाली है, मतलब कि जो थोड़े बीमार है उनको डिजीज लगने ही वाले, थोड़े थोड़े इन्फेक्शन को दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, इन्फेक्टिव हो है जिनको डिजीज हो चुकी है। ठीक है, मतलब होता है ना जैसे कि कफ और कोल्ड हो रहा है, कफ और कोल्ड होने का मतलब क्या, तुम्हारे और बीमारी के चांसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि कोरोना हुआ था। ठीक है, कोरोना में सबसे ज़्यादा मेन सिम्टम्स क्या था, कफ और कोल्ड का। तो उनसे पता लगता है कि उनको ना हो सकता है कि उनको कोरोना है जिनको कफ और कोल्ड हो रहा है, तो वो है ना ससेप्टेबल्स होते हैं जिनको लग सकता है कि हो सकता है, और जिनको है कफ और कोल्ड और उनमें पॉजिटिव आ जाता है तो बोल देते हैं कि वो इन्फेक्टिव हो चुकी है। मतलब कि ससेप्टेबल्स वही है जो मतलब उनके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं बट पता नहीं है अभी कि वो एक्चुअल में है कि नहीं। इन्फेक्टेड सो जो मतलब पूरे बीमार पड़ चुके हैं उस बीमारी से। ठीक है, और रिकवर्ड आप तो जानते हैं रिकवर क्या होता है, जो पूरे कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ससेप्टिबल्स होते हैं, देन इन्फेक्टिव, देन रिकवरिंग। ठीक है, इसमें कुछ अजम्पशंस होती है। ठीक है, जस्ट नॉर्मल अजम्पशंस हैं, विच यू कैन, लार्ज नंबर पीपल आर इन ससेप्टिबल्स इन्फेक्टिव एंड रिकवरी, सो वी कैन इग्नोर स्मॉल चेंजेस। जो छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं हमारे वर्ल्ड में उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि कोई नेचुरल डेथ से मर रहा है, वो सब चीज़ें और भी जो डेथ वो मतलब कि नेचुरली होते हैं। वी आर नेग्लेक्टिंग नेचुरल डेथ, ये नेचुरल डेथ को हमने नेग्लेक्ट कर लिया, एंड वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो लेटेंट एंड इनकर्शन पीरियड। ठीक है, वी अज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज होमोजेनियसली मिक्सड, मतलब कि यहाँ पर होमोजेनियसली हमारी पॉपुलेशन मिक्स है, यहाँ पर मतलब कि वो मेल एंड फीमेल दोनों है ऐसी मिक्स में। ठीक है, तो उससे कहते हैं तो आप इसमें ना मेजरली दो याद कर लेना, वो भी आपके लिए काफ़ी होंगे। अजम्पशंस पे ज़्यादा इतना वो नहीं करा जाता फोकस। ठीक है, अब कंपार्टमेंटल डायग्राम हो गया, अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, वर्ड इक्वेशन बनाना। ठीक है, अब हम बनाएंगे वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में बनाते कैसे, सबसे पहले जो हमारे कंपार्टमेंटल डायग्राम में हमारे पास तीन बॉक्सेस है तो हमारी तीन वर्ड इक्वेशन बनेगी, राइट। तो पहले मैं ससेप्टेबल्स क्या लिख लूँ, तो रेट ऑफ ससेप्टेबल्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टेबल्स, ससेप्टेबल्स उसका रेट क्या होगा, वो इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स ऑफ रेट ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। कि मतलब क्या है, जितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वो ससेप्टेबल्स की तो बराबर होंगे, क्योंकि ससेप्टेबल से ही तो वो इन्फेक्शन पहुँचे उनके पास की, तभी तो वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि पहले वो ससेप्टेबल हुए होंगे तभी तो इन्फेक्शन पहुँचा होगा। जैसे कि मैंने आपको कोरोना के बारे में कहा था, पहले उनको कफ और कोल्ड हुआ होगा, ज़रूरी नहीं उनको कोरोना ही हुआ हो, नॉर्मल कफ और कोल्ड हो सकता है, बट जिन लोगों को जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो मतलब उनका पहला रीज़न उनका ससेप्टेबल हुआ होगा, कफ और कोल्ड हुआ होगा। वैसे ही इसका मतलब है जो इन्फेक्टेड हुए हैं ना वो पहले ससेप्टेबल्स हो चुके होंगे, इसीलिए वो माइनस साइन, ताकि वो उसका वो होता नहीं है कि माइनस का मतलब वो नहीं कि नेगेटिव है, माइनस का मतलब है उसका उल्टा, कि मतलब वो ससेप्टेबल्स हो मतलब ससेप्टेबल होंगे तभी वो इन्फेक्टेड हुए होंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया। ठीक है, अब मैं इन्फेक्टेड की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एंट्री तो कुछ नहीं हो रही ना, एंट्री और एग्जिट लिखते थे माइनस में, जस्ट मतलब सिर्फ वो इन्फेक्टेड होकर जा रहे हैं, इसीलिए वो नेगेटिव और इन्फेक्टेड हो रहा है। जैसे कि होता नहीं एंटर का लिखते हैं पॉजिटिव में और जो एग्जिट का कहता है, बाकी भी मॉडल आपने पढ़ोगे
जो एंड वो एग्जिट होके जाता है उसको माइनस में करके, एक तरीके से एग्जिट इधर गेटिंग इन्फेक्टेड, तो माइनस ऑफ रेट ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड वाले लोग, ठीक है। अब यहाँ पे तो स्टार्टिंग में तो सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, हम तो बीमारी वाले की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि लाइक यहाँ पे कोई बीमार हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से सस्टेबल्स बने होंगे, राइट। तो अब मैं इन्फेक्टेड की बात कर रही हूँ, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्टिव्स। अब इन्फेक्टिव्स कौन वाले होंगे, तो इन्फेक्टिव्स के लिए हम जो ससेप्टेबल से आ रहे हैं और जो रिकवरी में जा रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो इनको लिखेंगे कैसे, रेट ऑफ ससेप्टेबल, ससेप्टेबल्स को मैं ऐसे लिख रही हूँ, गेटिंग इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड हुए थे ससेप्टेबल से और जो रिकवरी रेट में जा रहे हैं, राइट। रेट ऑफ इन्फेक्टिव्स रिकवर, जो रिकवर हो चुके हैं इन्फेक्टिव, उतने ही हमारे पास ससेप्टेबल्स वो इन्फेक्टेड होंगे। अब रिकवरी के बारे में, अब रिकवरी में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ रिकवरी क्लास, ठीक है। रिकवर कितने हुए होंगे, जितने इन्फेक्टेड हुए होंगे, यहाँ पर है ना इन्फेक्टेड आएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ ही आ रहा कि रिकवरी रेट कितना होगा, रिकवरी क्लास है यहाँ पे, ठीक है। रिकवरी क्लास कितने लोग रिकवर हुए होंगे, जितने लोग इन्फेक्टेड होंगे वही तो जाके रिकवर होंगे, बेसिक सेंस बनती है, राइट। जितने लोग बीमार हो चुके हैं जब वो रिकवर होंगे तो वही तो रिकवरी क्लास में चले जाएंगे। तो जितने इन्फेक्टेड हैं वो सारे के सारे, मतलब जो रिकवर हुए हैं वो कौन से लोग, जो इन्फेक्टेड हुए होंगे, जो उसके इन्फेक्शन के बराबर होंगे, राइट। तो इसके बराबर आया। अब हम क्या करेंगे कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने होते हैं। अब मैं ना इन ये जो अलग अलग सिंटेक्स है ना वो किसके बराबर है वो लिख रही हूँ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले, ठीक है। तो रेट ऑफ ससेप्टेबल्स गेटिंग इन्फेक्टेड, तो रेट ऑफ ये वाला बॉक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको तो मैं अल्फा, और ये तो ससेप्टेबल्स है ही है और ये इन्फेक्शन है, ठीक है। तो रेट ऑफ, ये यहीं तक ही वर्ड इक्वेशन थी यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक ही है। मैं इसके बारे में लिख लूँ, रेट ऑफ ससेप्टेबल्स गेटिंग इन्फेक्टेड, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ससेप्टेबल्स और इन्फेक्टेड की, ठीक है। और ये आई का मतलब हो जाते हैं इन्फेक्शन, और ये एस का मतलब है ससेप्टेबल्स। और जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगी तो मुझे एक बीटा मिलेगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। और एस आई तो लग ही जाएगा साथ में, और ये बीटा है क्या, ये है इन्फेक्शन रेट, कि कितने लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है, मतलब किस रेट से उनको ये डिजीज लग रही है, मतलब कि ट्रांसमिशन रेट भी कह सकते हैं, और मतलब इन्फेक्शन, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है तो मतलब किस रेट से हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, वो बीटा होता है ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। और एक और है रेट ऑफ इन्फेक्टिव गेटिंग रिकवर, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, मैं इस वाले की बात कर रही हूँ, इस वाले की, ठीक है। यहाँ पे माइनस है याद रखना, ठीक है, माइनस। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, रेट ऑफ रिकवर, कितने लोग रिकवर हुए होंगे, जितने लोग इन्फेक्टिव हुए होंगे, ठीक है, तो इन्फेक्शन के बराबर हो गए। अब इस इन्फेक्शन को हटाने के लिए मैं यहाँ पर एक गामा का यूज करूँगी, जिसका वो मतलब है रिकवरी रेट, कि इतने रेट से वो रिकवर हो रहे हैं, कितनी जल्दी वो रिकवर हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बारे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनाएंगे, ठीक है, पहले की बात करते हैं। रेट ऑफ ससेप्टेबल, ससेप्टेबल्स को मैं एस से मार रही हूँ, देखो मैंने एस आई आर ये पता ही है ना, ससेप्टेबल्स इन्फेक्टिव्स एंड रिकवरी। अब मैंने पहले की बात करी वर्ड इक्वेशन में, तो रेट ऑफ ससेप्टेबल्स कितना होगा, डी एस बाय ग्रेट
डेट है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, डीएल बाय डीटी, ठीक है। उसके बाद वो किसके बराबर, माइनस ऑफ रेट ऑफ गेटिंग इन्फेक्टिव, जो लोग इन्फेक्शन में है, माइनस। अब ये इन्फेक्टिव वाले है कौन, यही तो है ना, जो इन्फेक्टिव हो रहे हैं, जो मैंने इस बीटा एफ आई के बराबर है, रेट ऑफ ससेप्टेबल्स गेटिंग इन्फेक्टेड और रेट ऑफ गेटिंग इन्फेक्टिव, एक ही तो बात लिख रही हूँ। देखो तो यहाँ पे जो ना ससेप्टेबल्स, ये एग्जिट करके जा रहे हैं, एग्जिट, जैसे कि मैंने पहले मॉडल जो एंट्री एग्जिट वो वाले जो थे ना, यहाँ पे भी थोड़ा वही सेम केस है। यहाँ पे देखो ससेप्टेबल्स में ना एंट्री तो है नहीं है, एग्जिट है, एग्जिट को हम माइनस में करके लिखते हैं, जो हमारे इन्फेक्टिव में जा रहे हैं, और वही चीज़ हमारे इन्फेक्शन में एंटर कर रही है। जो लोग मेरे इन्फेक्टिव होंगे वो ससेप्टेबल से ही तो एंटर हो रहे, तो मतलब ये जो चीज़ है और ये दोनों एक ही की तो बात हो रही है ना, जो इसके लिए एंटर एग्जिट हो रहे हैं वो इन्फेक्टिव के लिए एंटर ही तो हो रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है जो मैंने इसके बारे में लिखी है ना, ये वाली, ये जो उठाई है, जी यही तो चीज़ है। तो माइनस हो, ये जो मैंने लिखा था बीटा एफ आई के बराबर हुआ, ठीक है, पहली होगी। अब ये दूसरी वर्ड इक्वेशन, अब मैं इन्फेक्टिव की बात करूँ, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, यही इसी की तो बात हो रही है ये मेरी, है ना, बीटा एफ आई। अब माइनस रिकवरी, जो रिकवर होके जा रहे हैं, जो मैंने रिकवरी के बारे में बताया था यही तो बताया मैंने, गामा आई, ठीक है। अब मैं तीसरी के बारे में बात कर रही हूँ, तीसरी है रिकवरी वाले की, रिकवरी को मैं आर से लिख रही हूँ, चेंज हो रही है टाइम के साथ, और वो कितनी है, गामा आई, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे, तो बस इतना ही था गाइस, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट मॉडल करवाऊंगी, दैट इज द एंडेमिक डिजीज, ओके, बाय बाय।